सबसे हैवी तोरण वो अपने घर पे भी तैयार कर सकता है चाहे तो। और भी प्योर कॉपर वायर के अंदर, देखिए प्योर कॉपर वायर 1 mm वायर, प्योर कॉपर 14 तार। विकास आपका दोस्त, आपका होस्ट, आज हम आए हैं पिक्सल का भंडारा लेकर, बिकॉज ऑफ आज पता लगने वाला है कि कौन सा पिक्सल आपके लिए बेस्ट है और कौन सा पिक्सल आपके लिए बेस्ट नहीं है, और हमने कौन से पिक्सल में कौन सा वायर यूज किया है, और हमने किस तोरण को कितना हैवी बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज किया है। आपको अभी एक खुशखबरी और देना चाहता हूँ मैं। पहले क्या था, लोगों को चाहिए था सीओडी, दोनों को विश्वास नहीं था कि भाई मेरे पास मैं पैसा भेजूंगा, माल आएगा नहीं आएगा क्या है। अब हमारे पास इसका भी सोल्यूशन निकल गया है, हम लोगों ने अपना खुद का एक वेबसाइट बनाया है जिसमें आपको सीओडी अवेलेबल है, लेकिन उसका 10% आपको पहले पे करना पड़ेगा। वो इसलिए करना पड़ेगा पे, क्योंकि जो कूरियर का चार्ज है, आने और जाने का जो चार्ज है उसके हिसाब से। बहुत से लोग क्या करेंगे, वहाँ आने के बाद में माल नहीं लेंगे तो जो कूरियर का खर्चा है वो हमको ना वहन करना पड़े, इसके हिसाब से। तो गाइस आप रेडी हो जाओ, आपको सीओडी मिलेगा, अच्छी तरह से मिलेगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारी टीम के लिए। हाँ, और दूसरी बात, अभी एक नया हमारे पास में, ये देखो SRL, न्यू मॉडल SRL, ये आपके सामने है, देख लीजिए पूरी ब्राइटनेस दिख रही है, ये जो अपडेटेड है, दोनों चीज देख लीजिए, ये MST देख लीजिए और ये देख लीजिए SRL, इसका ब्राइटनेस देखो। अभी 2 मिनट चलने दो, इसको देखो इसका कैसा कलर चेंज करता है, इसका कैसा कलर होता है। गाइस आपके सामने है, इसमें डिफरेंस पता चलेगा, आप देखते रहिए। ये ब्लू कंप्लीट चल रहा है, यहाँ से थोड़ा सा डल हुआ ये दिख रहा है, देखिए ये पीला है और ये डल हो गया है, तो आप इस नोटिस कर सकते हैं इस चीज को, यहाँ से ये पिंक है और यहाँ पर ये डल हो गया है। अभी एक बात मैं आपको और बताता हूँ, एक खुशखबरी और, लोगों को क्या था पहले कि कितना लंबा बनाना है तोरण, उसके लिए प्रॉब्लम होता था। हाँ, अभी हमने क्या करा कि हमारे पास ये जो 50 फुट के, जो 20 फुट के जो गुच्छे आते ना, जी इसके अंदर हमने 1 mm तार लगा दिया है, इसलिए लगा दिया किसी को अर्जेंट बनाना हो कोई तो तार लगाने की झंझट नहीं, सिर्फ 3 तार लगाएगा प्लस माइनस और डेटा का, तो उसका क्या बात है गाइस, जितना लंबा बनाना उतना लंबा बना, मतलब अब किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सबसे हैवी तोरण वो अपने घर पे भी तैयार कर सकता है चाहे तो। और भी प्योर कॉपर वायर के अंदर, देखिए प्योर कॉपर वायर 1 mm वायर, प्योर कॉपर 14 तार, बहुत हैवी वायर दिख रहा है, और ये वायर के अंदर भी हम अवेलेबल करवा देंगे आप लोग, आपको। क्या बात है गाइस, आपने सुन लिया कि ये बार में अवेलेबल हो जाएगा, साइज अवेलेबल हो चुकी है। बहुत से बोलते हैं हमको सस्ता वाला चाहिए, तो उसके लिए भी हमने लोगों ने ये देखो सोल्यूशन निकाला है, भाई गारंटी नहीं है इसमें हमारी कुछ, लेकिन कहने का मतलब क्या, फिर भी बना के रखा है, जिसको चाहिए उसमें भी तार नहीं, इसमें एक्चुअली क्या है कि ये वायर थोड़ा एलिमेंट मिक्सिंग वाला, और ये MST पिक्सल के साथ में ये यूज कर दिया है कि किन्हीं कस्टमर को हमारे अगर सस्ता चाहिए तो उनके लिए भी ये सारी की सारी चीज अवेलेबल कर दी है हम लोगों ने, क्योंकि उनके भी बहुत सारे कॉल आते हैं। और बात बताऊं मैं आपको, ये देखो ये चीज मैं आपको दिखा के लेकर आया हूँ, ये जो हम लोग अभी ये जो जितने भी हमारे जो बेल्ट बनते हैं ना, हाँ जी, उसके अंदर ये देखो ये रस्सी लगने वाली है। वाओ, ये बहुत हैवी लग रही है। हाँ, और मजबूत लगने वाली है इसके अंदर ऊपर की साइड में, और एक सैंपल बना के रखा हुआ है ये देखो, इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी ये देखो रस्सी लगाया, अभी इसके ऊपर नीवार लगना बाकी है। अच्छा, ये रस्सी में टाई भी लगाई है आपने? बिल्कुल, ये डबल कर रखा है, इसको देखो अंदर से भी अपने, ये देखो इसके अंदर है ना, ये देखो हम लोग टाई लगा रखा, टाई रस्सी है, टाई है, इतना मजबूत है। अभी इसके ऊपर और रस्सी आएगा, वो भी डबल सिलाई वाला आएगा, वो भी डबल सिलाई, डबल सिलाई आएगा, और ये रस्सी तो पूरे में होने ही होने वाला है। अच्छा, दूसरी बात, जितने भी इसमें कट लगे हुए हैं ना, ये सब में सोल्डिंग करा हुआ है। क्या बात है, बिल्कुल सब में सोल्डिंग करा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, देखिए इसका जो पहला भाग निकालता हूँ मैं, ये देखिए सब में मैंने सोल्डिंग करा, सब में सोल्डिंग मारा हुआ, सब में सब सोल्डिंग आएगा, किसी में आटी मारा हुआ नहीं है, मतलब ये पूरा का पूरा हैवी जो रहने वाला है ये हमारे किसी कस्टमर के लिए, अगर किसी को रेडी करवाना हो तो वो आपको पहले कितने दिन पहले बोल देंगे सर? जैसे साइज, तो कम से कम 2 दिन पहले तो बोलना ही पड़ेगा। तो गाइस 2 दिन पहले आपको ऑर्डर देना रहेगा, उसके बाद में आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से भी, जो हमारी वेबसाइट हम लोगों ने बना दी है, कि जिन कस्टमर को हम पर ट्रस्ट नहीं हो, जैसे कि किसी को भी नहीं होता है क्योंकि हम दूर रहते हैं, तो ट्रस्ट के हिसाब से अभी इसके अंदर 20x4 by 30, 4x20, 4x10 और 10x10, 10x20, 10x30 ये आपको अवेलेबल मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपको जैसे 10x20 चाहिए, 20x30 चाहिए, तो उसके लिए आपको ऑर्डर पहले देना पड़ेगा। ओके, तो ये सारे का सारा सामान ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा सर? बिल्कुल हो जाएगा। उसके अलावा भी हमारे पास में ये इंडियन सीरीज सिंगल कलर इंडियन सीरीज है, ये हमारे पास सभी आइटम है, इसमें 7 कलर है मेरे पास में भाई। ये सामान जो भी आप देख रहे हैं, ये पिक्सल है, ये बेल्ट है, और ये पिक्सल है, तो ये सारी चीज है ऑनलाइन वेबसाइट में अवेलेबल है, और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। SRL का प्रीमियम बेल्ट,
दिख रहा है ये बेल्ट इतना है, ये मजबूत दिख रहा है, ये इतना हैवी है, साल का प्रीमियम बेल्ट है ये क्या। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ये देखो चेजर मिल जाएंगे आपको। अच्छा, ये डिजाइन भी आपकी खुद की करी हुई है क्या सर? करी हुई डिजाइन है क्या? ये चेजर मिल जाएंगे, ये जो डिजिटल बोर्ड है ना, ये देखो डिजिटल बोर्ड भी मिल जाएंगे आपको, और मल्टी कलर सीरीज, मल्टी के अंदर एक मिनट देखिए, ये मल्टी सीरीज है जो कितना हेवी वायर है, इसे मल्टी के अंदर मेरे पास है ना चार पांच मॉडल है इसमें, मैं आपको तो ये सारा का सारा अवेलेबल हो जाएगा, बिल्कुल 100% हो जाएगा क्या। तो सर वेबसाइट के बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि वो कहाँ पर देखने को मिलेगी? लिंक में मिल जाएगी वो नीचे? हाँ, लिंक में मिलेगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसके अंदर आप जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, और वो सारी की सारी चीज़ें हमारी खुद की ब्रांड की, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग आपको मिल जाएगा। SRL कंपनी का ही लें हम आपको यही बोलेंगे, क्योंकि SRL जो चीज़ है वो हमारी खुद की चेक करी हुई आती है, एक एक वर्ड एक एक पिक्सल आपको चेक करवा मिलेगा। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो में। ओके, मतलब पार्लर से लेकर के सब कुछ, सारा डेकोरेशन का आइटम, सारा सोल्यूशन है हमारे पास। ये फायर मशीन है, उसके बाद ये जो मटका है फोक मटका वो है क्या, ये एलईडी फ्लड है, SRL की एलईडी फ्लड है। ओके, हाँ बैक चौक एलईडी फ्लड है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो सर थैंक यू सो मच कि आपने इतना करा, अभी ऐसा है इतना बनाया, अब मैं जरा एक वीडियो दूंगा उसके बाद में वो ताजा होकर फिर मैं आपसे मिलूंगा दूसरी बार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सर।